लगातार बढ़ती महंगाई के इस दौर में आज जहां इंसान को खुद की दो वक्त की रोजी रोटी के लिए अनेकों पापड़ बेलने पड़ते हैं, तो वहीं दूसरी ओर किसी के विवाह जैसी बड़ी जिम्मेदारी को निभाना और वह भी एकदम निशुल्क अपने आप में मानव धर्म को दर्शाता है। इसी कड़ी में अपने मानव धर्म का पालन करते हुए रेवाड़ी की पंजाबी बिरादरी ने आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में 3 गरीब कन्याओं का विवाह करवाया, जिसमें मेहमानों के लिए खाने से लेकर नवविवाहित जोड़े के लिए जरूरी सामान की व्यवस्था भी समाज की ओर से की गई। आयोजकों ने अपील की कि समाज के दूसरे लोग भी सामाजिक आयोजनों में अपना सहयोग कर अपने मानव धर्म को निभाएं। आज 13 अप्रैल विसाखी के दिन पंजाबी धर्मशाला में 3 गरीब कन्याओं की शादियां हो रही हैं। पहले हमने 11 कन्याओं की शादियां करवानी थी, लेकिन कोरोना की वजह से ज़्यादा भीड़ ना इकट्ठी हो, इसलिए हमने प्रशासन से इजाज़त लेकर 3 गरीब कन्याओं की शादियां करवा रहे हैं। यह जो शादियां हो रही हैं, इस समाज से ही शादियाँ हो रही हैं, समाज के पैसे से ही शादियाँ हो रही हैं, और आपस में इकट्ठा करके हमने शादियां की है और आगे भी करते रहेंगे। ये जो गरीब कन्याओं की शादियां करनी थी 11, और जो आज 3 कर रहे हैं, इसके बाद जो 8 रह जाएंगी वो हम आगे करेंगे। सभी को जो दहेज दिया जा रहा है, खाने पीने की व्यवस्था, ये भी समाज की तरफ से, ये भी समाज की तरफ से तीनों लड़कियों को सब कुछ दिया जा रहा है। ये दहेज ना कह के एक गरीब कन्या की हेल्प कहा जा सकता है। क्या अपील करेंगे लोगों से कि ऐसी गरीब लोगों की आगे हम सभी से सहयोग की आशा रखते हैं और सभी ने सहयोग दिया है और आपस में मिलकर ही शादियां हो रही। देखिए, सबसे पहले तो मैं पंजाबी समाज के एक मामूली से सदस्य होने के नाते सभी को बधाई और धन्यवाद दूंगी कि इतने नेक कार्य में सब लोग आगे आए, और सबसे उम्मीद करती हूँ कि आगे भी ऐसे बढ़ चढ़ कर काम करेंगे। आज न्यूक्लियर फैमिली है, एक ही परिवार में 3-3 या 4-4 लोग हैं, एक बच्चा है, तो अगर सब लोग मिलजुल कर एक दूसरे का सहारा बनेंगे तो समाज को किसी भी चीज़ में दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी एक मैं बात जो बहुत ज़रूरी बताना चाहूँगी कि ये जो काम हो रहा है, इसमें हमने 2 बातों की बहुत इम्पोर्टेंस दी कि लड़की आत्मनिर्भर हो और लड़के के यहाँ शौचालय हो। ये तीनों लड़कियाँ आत्मनिर्भर हैं, एक ने पार्लर का कोर्स किया हुआ, एक ने बुटीक का और एक ने नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का। तो प्रधान जी ने एक शर्त रखी कि उम्र 18 और 21 स्वाभाविक है, उसके साथ साथ लड़के के घर शौचालय होना बहुत ज़रूरी है। तो इन सभी चीज़ों को जो सरकार की पहल है, सामाजिक पहल है, इनको आगे ले जाते हुए कार्य हो रहा है, और उम्मीद है कोरोना से हम जल्दी मुक्ति पाएंगे और अगली बार 11 या 21 लड़कियों की शादी आप सबके और सभी समाजों के सहयोग से करें।